हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। आज हम आपके लिए मुगल एम्पायर के बारे में क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। SSC GD CHSL के लिए खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इन्हें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुगल एम्पायर, हमें ये पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर्स को देखें तो बाबर, हुमायूं, शेरशाह, फिर उसके बाद दोबारा हुमायूं आते हैं मुगल गद्दी पे, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है कि मुगल सम्राट कब, किसके बाद कौन बना, सीक्वेंस आता है। तो हमेशा याद रखिए कि शेरशाह से पहले भी हुमायूं थे और शेरशाह के बाद भी हुमायूं हैं, उसके बाद अकबर है और फिर जहांगीर है। ठीक, अब अगर हम इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मोनार्की रूल था इनमें, सूबा था, सरकार्स थे और परगना थे। सबसे ऊपर सूबा, फिर उस सूबे को सरकार्स में बांटा हुआ था जो कि ज़िले होते थे, और फिर सरकार में बहुत सारे परगना होते थे। सोशल सिस्टम की बात करें तो मनसबदार होते थे। इकोनॉमिक सिस्टम में हम देखें तो ये यूनिफॉर्म करेंसी होती थी, चांदी का रुपी, कॉपर का दाम चलता था, और एक नया जो भूमि लगान या लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जब्ती प्रथा भी मुगल शासन की देन है। उसके बाद अगर हम उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर को देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव उस समय का आर्ट और आर्किटेक्चर रहा है। तो रेड फोर्ट दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, सलीम चिश्ती की टॉम और बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में, ये सब। और कंटेम्प्रेरी किंगडम अगर हम देखें तो उस समय शिवाजी जो थे मराठा, उस समय के समकालीन किंगडम थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं साथ साथ। विच मुगल एम्परर चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम, किस मुगल सम्राट के बचपन का नाम सलीम था। इसका सही जवाब है जहांगीर। ठीक है, तो अकबर नेम्ड हिज सन सलीम, और ये किसकी रिस्पेक्ट में रखा था उन्होंने, शेख सलीम चिश्ती, जो शेख सलीम चिश्ती थे उनके ही नाम पर ये इनका नाम सलीम रखा था जहांगीर का। तो जहांगीर के पिता का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनकी माता का नाम था मरियम उज़ ज़मानी। फतेहपुर सीकरी आगरा में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो टॉम है ये अक्सर पूछा जाता है, वो शाहदरा लाहौर में है, रावी नदी के किनारे। जहांगीर का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था, विच इज़ द ईयर ऑफ जहांगीर्स कोरोनेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1605 में। कोरोनेशन इनका जो हुआ वो 3 नवंबर 1605 को आगरा में हुआ, विद नेम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और इनका जो टाइम पीरियड था रूलिंग का वो 1605 से 1627 तक था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द वाइफ ऑफ जहांगीर, निम्न में से कौन जहांगीर की पत्नी नहीं थी। तो इसका ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन डी अनारकली। फेवरेट वाइफ इनकी जो थी वो थी मेहरुनिसा, और उनका नाम था, उनको नूर जहाँ के नाम से भी जाना जाता है मेहरुनिसा को। अब मेहरुनिसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिफोर मैरिंग जहांगीर शी वॉज द विडो ऑफ अली कुली बेग, या फिर शेर अफगान की वो विधवा थी। इनके फादर का नाम था ग्यास बेग, और इनको इत्मादुद्दौला भी कहा गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने ग्यास बेग, जो कि मेहरुनिसा के पिता थे, उनको इत्मादुद्दौला का नाम दिया। इनकी माता का नाम था असमत बेग, जो कि रोज़ से परफ्यूम बनाने की कला में बहुत निपुण थी। इनके भाई थे आसफ खान, और इनकी बेटी थी लाडली बेगम। मेहरुनिसा वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल्स नूर महल। नूर महल का मतलब है लाइट्स ऑफ पैलेस, जो एक महल की रोशनियां होती हैं। लेटर नूर जहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस जहां का नूर, इस जहां की रोशनी। ये जहांगीर ने ही ये दोनों नाम इन्हें दिए थे, नूर महल और नूर जहां। विच ऑफ द सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो इसका ऑप्शन बी है
गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे और 1606 में इनको जहांगीर ने फांसी की सज़ा दी थी। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। खुसरो वॉज द एल्डर सन ऑफ जहांगीर विद मानाबाई, फर्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर की पहली पत्नी थी मानाबाई, उनसे पहला बेटा था खुसरो। खुसरो रिवॉल्ट अगेंस्ट जहांगीर इन द ईयर 1606। 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विरोध किया। जहांगीर क्रश्ड हिज रिवॉल्ट, जहांगीर ने उनकी क्रांति को कुचल दिया वेल एंड प्रिजन हिम, बट खुसरो एस्केप्ड, और पर उनको खुसरो वहाँ से भाग गए, उनको जेल में बंद किया था। खुसरो वेंट टू गुरु अर्जुन देव फॉर हेल्प, अर्जुन देव ने उनकी हेल्प की। जहांगीर आस्क्ड टू पे फाइन टू गुरु अर्जुन देव विच ही रिफ्यूज्ड टू पे। गुरु अर्जुन देव ने वो फाइन देने से मना कर दिया जो जहांगीर ने उन पर लगाया था। देन जहांगीर ऑर्डर्ड टू हैंग गुरु अर्जुन देव, तब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे टांगने की सज़ा सुनाई। ऑल्सो जहांगीर ऑर्डर्ड टू टेक आउट द आईज ऑफ खुसरो एंड प्रिजन हिम। साथ में जहांगीर ने खुसरो की आंखें भी निकलवा ली थी और उनको जेल में कैद कर दिया था। विच ऑफ द जहांगीर सन वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ शाहजहां। जहांगीर के किस बेटे को शाहजहां की उपाधि दी गई थी? तो इसका ऑप्शन है, सही जवाब है खुर्रम। जहांगीर के बेटे खुर्रम थे जिनको शाहजहां कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लाइक अकबर जहांगीर ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज किंगडम, सो ही सेंट खुर्रम टू विन अहमदनगर। अकबर की तरह ही जहांगीर ने भी कोशिश की अपने साम्राज्य की सीमाओं को फैलाने की और उसने खुर्रम को अहमदनगर जीतने के लिए दक्षिण भारत में भेजा। मलिक अंबर, जो कि एक बहुत शक्तिशाली मंत्री था, हैड सेव्ड अहमदनगर मेनी टाइम्स फ्रॉम मुगल। अहमदनगर को बहुत बार उसने मुगलों से बचाया मलिक अंबर ने। दिस टाइम खुर्रम डिफीटेड मलिक अंबर, अब की बार खुर्रम ने मलिक अंबर को हरा दिया और उसको अवार्ड दिया गया शाहजहां का। वेयर डिड जहांगीर एस्टैब्लिश जंजीर आदि? तो जंजीर अदल जो थी वो कहाँ लगवाई थी? इसका सही जवाब है ए आगरा। यमुना रिवर के किनारे पर जो आगरा फोर्ट है ये वहाँ पर लगी है और ये सोने से बनी हुई है एंड हैड 60 बेल्स इन इट, और इसके अंदर 60 घंटियाँ हैं। जहांगीर ने किसे फिरंगी खां की उपाधि दी? हु वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान? इसका सही जवाब है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कन्वर्स विद जहांगीर इन पर्शियन लैंग्वेज में वो बात करते थे जहांगीर से, विलियम हॉकिंस, विच इम्प्रेस्ड जहांगीर वेरी मच। हॉकिंस came in India to get the permission of trading in India, European travelers, William Hawkins, Sir Thomas Rowe, William Finch and Edward Terry. ये European travelers थे जो जहांगीर के समय में भारत आए थे और भारत में व्यापार वाणिज्य की इजाज़त इन्होंने मांगी थी। Which Mughal emperor age is regarded as the golden age of painting? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। और कौन कौन से पेंटर्स थे जहांगीर के समय पे? आगा रजा, विशनदास, फारूक बेग, दौलत मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर एंड गोवर्धन। ये फेमस पेंट और ये फेमस जहांगीर के पैलेस में थे ये। और कुछ और फेमस पेंटर्स हैं, उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिर उल असर की उस असर की का उपाधि दी गई, और अब्दुल हसन, जिन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दी गई अबुल हसन को। तुज़ुके जहांगीरी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है और स्टार्टेड बाय जहांगीर एंड फिनिश्ड बाय मोतबिंद खान। जहांगीर ने इसको शुरू किया, पर्शियन लैंग्वेज में है और मोतबिंद खान ने इसे पूरा किया। टीचर जो थे अब्दुल रहीम खान खाना थे जहांगीर के। जहांगीर वॉज मास्टर इन अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। अब्दुल रहीम खान खाना किसके गुरु थे? जहांगीर के। वेयर इज टॉम्ब ऑफ जहांगीर? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में है, नूर जहां ने इसे बनवाया और 1627 में ये गुजरे थे ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ कश्मीर टू लाहौर। कश्मीर से लाहौर की यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मेहरुनिसा नूर जहां बिल्ट टू टॉम्ब्स, उसने दो स्मारक बनवाए। पहला टॉम्ब ऑफ जहांगीर एट लाहौर, दूसरा टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, उसके खुद के जो पिता थे मिर्ज़ा ग्यास बेग, उनका जो मकबरा था, ये दोनों इसने बनवाए।
फर्स्ट वाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो पिट्याडोरा द इनक्ले टेक्निक ऑफ कट एंड फिटेड पॉलिश्ड स्टोन्स टू क्रिएट इमेज इज यूज इन इट। ठीक है, ये ग्यासबेग के मकबरे में सबसे पहले ये यूज़ किया था पिट्याडोरा टेक्निक को। मेहरुनिसा अलायंस के बारे में क्वेश्चन आता है, इसमें कौन कौन था जो इसका ये जुंटा गुट था, इसमें मेहरुनिसा खुद थी, मिर्ज़ा ग्यासबेग या एतमादुद्दौला जो उसके पिता थे, आसफ खान उसके भाई और शाहजहाँ या खुर्रम, ये चारों मिलके मेहरुनिसा अलायंस है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड दो अस्पा से अस्पा सिस्टम, इट वॉज मॉडिफिकेशन टू मनसबदारी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अस्पा सिंह अस्पा क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, जहांगीर से, और मनसबदारी सिस्टम का मॉडिफिकेशन है ये। नोबल्स वर अलाउड टू मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स विदाउट रेजिंग देयर रैंक्स। अब कुछ आर्किटेक्चर्स हैं जहांगीर के द्वारा बनवाए गए, ये देखिए मोती मस्जिद ऑफ लाहौर, याद रख लीजिए ये मोती मस्जिद है लाहौर की। शालीमार बाग है ये कश्मीर में, श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में जहांगीर ने बनवाया। अनारकली का मकबरा लाहौर में, ये भी जहांगीर ने बनवाया। अब हुमायूं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड बाबर, बाबर का कौन उत्तराधिकारी बना, इसका जवाब है ए हुमायूं। फर्स्ट रूलर बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया, दूसरे शासक हुमायूं जिन्होंने 1530 से 1556 तक शासन किया, 26 से 30 और फिर 30 से 56। हुमायूं रूल्ड इन टू पार्ट्स, दो बार शासन किया इन्होंने, एक तो 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक, बीच में शेरशाह आए थे। इन 1530 हुमायूं कॉरोनेशन इन आगरा, हुमायूं वॉज बॉर्न 1508 में, इनका जन्म हुआ काबुल में और इनकी मृत्यु 1556 में हुई। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रदर ऑफ हुमायूं, हुमायूं का भाई इनमें से कौन नहीं था, तो ये तीनों थे, बस मिर्ज़ा सलमान नहीं थे। अब ये चारों भाई कौन कौन थे, पहला हुमायूं कामरान अस्करी और हिंदाल, ये चार भाई थे। एक इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने ही लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। हु वॉज द रूलर ऑफ बदख्शा वेन बाबर डाइड, बदख्शा का रूलर कौन था जब बाबर गुजरा, उस समय बदख्शा का सूबेदार था हुमायूं, ये इम्पोर्टेंट है। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, बाबर की डेथ के बाद हुमायूं को क्या मिला, दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिला, कामरान को मिला काबुल पंजाब और कंधार, अस्करी को मिला संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मिला मेवाड़ का क्षेत्र, और हुमायूं के कज़न थे सुलेमान मिर्ज़ा, उनको मिला बदख्शा का क्षेत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर ये ज़रूर आप याद करके जाइए। अब ये मैप है, इस मैप में एम्पायर दिखाया हुआ है उस समय का कि कहाँ पर किसका शासन था, इसे आप पॉज करके देख के जाइए। वेयर इज टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, किसने बनवाया ये, किसने डिज़ाइन किया था, मीरक मिर्ज़ा ग्यास एंड हिज सन सैयद मोहम्मद जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे उन्होंने। हुमायूं टॉम्ब वॉज कमीशनड इन 1569 आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं इन 1556 में, उनके मृत्यु के बाद ये 1569 में बना, एंड बाय हिज पर्शियन क्वीन हमीदा बानो बेगम, उन्होंने जो डॉटर थी अली अकबर जामी की, हमीदा बानो बेगम ने ये बनवाया था। इन 1993 इट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हुमायूं का जो मकबरा है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा घोषित। इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिल्ट इन 1570, ठीक है, गार्डन टॉम्ब है ये। वेयर डिड हुमायूं डाइड, तो इसका जवाब है दीनपना, हुमायूं वॉज इन हिज लाइब्रेरी एंड ही हर्ड अजान, दैट्स अ कॉल फॉर नमाज, एंड इन हरी जल्दी जल्दी में नमाज अटेंड करने की जल्दी में वो सीढ़ियों से गिरा और गिर गया एट शेर मंडल लाइब्रेरी इन दीनपना।
हुमायूं वॉज फैटली इंजर्ड, वो इतना उसको चोट लगी कि वो उसकी मृत्यु हो गई स्टेयर केस पर ऑफ हिज लाइब्रेरी शेर मंडल एंड टाउन दीन पना इन 1533। दीन पना जब बनाया था 1533 में। स्टेनले लेन पूल एन अथॉरिटी ऑन हुमायूं पैथेटिकली रिमार्क्स हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई ये ज़रूर पूछा जाता है। ये स्टेनले लेन पूल की वाक्य है हुमायूं की मृत्यु पर। द ओरिजिनल नेम ऑफ हुमायूं वॉज नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये भी पूछा जाता है, इसे याद रखिए। हुमायूं बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी सो यूज्ड टू वेयर डिफरेंट कलर क्लोथ्स ऑन 7 days ऑफ द वीक, ये ज़रूर पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, हुमायूं से। अगला है सिकंदर आजम किसे कहा गया, इसका जवाब है सी हुमायूं। द गुरु ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं वॉज शाह मोहम्मद गौस, जो मुगल एम्परर के गुरु थे, हुमायूं के जो गुरु थे वो थे शाह मोहम्मद गौस। अगेंस्ट विच स्टेट डिड एम्परर हुमायूं मेक हिज फर्स्ट कैंपेन, किस राज्य की तरफ सम्राट हुमायूं का पहला आक्रमण हुआ था, तो ये था ए कालिंजर। एम्परर हुमायूं डिड हिज फर्स्ट कैंपेन इन 1531 AD अगेंस्ट द कलिंजर किंगडम, पहला अभियान। एट दिस टाइम द रूलर ऑफ द कलिंजर किंगडम वॉज प्रतापारुद्रदेव, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चौसा फाउट, चौसा का युद्ध कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1539 में हुआ था। द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस ऑन 26 June 1539 AD। दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन द मुगल एम्परर हुमायूं एंड द अफगान रूलर शेर शाह सूरी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट इन द दोआब रीजन ऑफ गैंजेस एंड करमनाशा रिवर्स। आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा शेर खान अज्यूम द टाइटल शेर शाह, जीता था वो और उसने शेर शाह की उपाधि धारण की चौसा के युद्ध के बाद। इन 1530 हुमायूं कॉरोनेशन इन आगरा, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए आपको याद दिलाया जा रहा है। हुमायूं वॉज बॉर्न 1508 1508 में काबुल में जन्म हुआ और 1556 में उसकी मृत्यु हुई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, इसका है 1540 में, हमने अभी पीछे देखा और ये 1540 में हुआ द कन्नौज की युद्ध। दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन द मुगल एम्परर हुमायूं एंड द अफगान रूलर शेर शाह सूरी, ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ बिलग्राम। इन 1540 द बैटल ऑफ बिलग्राम और गैंजेस ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं वॉज फोर्स्ड टू फाइट विद शेर खान अलोन एंड आफ्टर लॉसिंग हिज किंगडम हुमायूं बिकेम एन एग्जाइल, वो फिर राज्य छोड़ के चला गया। नेक्स्ट 15 years हुमायूं एग्जाइल फॉर 15 years इन द कोर्ट ऑफ शाह। व्हेन वॉज अकबर बॉर्न, अकबर का जन्म कब हुआ, ये 1542 में हुआ, 1542 में। एट द राजपूत फोर्ट्रेस ऑफ अमरकोट इन राजपूताना वेयर हिज पेरेंट्स हैड बीन गिवन रिफ्यूज बाय द लोकल हिंदू रूलर राणा अमरसाल। His father Humayun had already lost the kingdom won by Babur and Akbar's childhood was spent in exile. Jalaluddin Muhammad Akbar was born the year in 1542. Agla hai, in which of the following year did the war of Sarhind take place? Toh Sarhind ka yudh hua tha 1555 mein. The battle of Sarhind took place on 22 June 1555. This war was fought between Humayun and Sikandar Suri. Sikandar Suri और Humayun के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। The battle of Machiwada took place in May 1555 and this battle was fought on the banks of river Satluj. किस वर्ष Humayun पुनः दिल्ली का शासक बना था, तो इसका जवाब है डी 1555। हुमायूं अगेन बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली इन जुलाई 1555। दोबारा से वो दिल्ली का शासक कब बना था, 1555 में। अब शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में देखते हैं। शाहजहां इज द इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, ताजमहल बनवाया उन्होंने विद मार्बल और इट टुक 20 ईयर्स 20 साल में 1632 से 1652 में जाके ये पूरा हुआ।
वेयर वर द फोर सन्स ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ के चार बेटों का नाम क्या था? दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शीश महल, अंगूरी बाग, मोती मस्जिद आर्ट, आगरा फोर्ट, द रेड फोर्ट एट दिल्ली, बिल्ट दीवान आम, दीवान ख़ास, मोती महल, रंग महल इनसाइड द रेड फोर्ट एट दिल्ली, ये सब शाहजहाँ ने बनवाए। बिल्ट द जामा मस्जिद एट दिल्ली, बिल्ट द पीकॉक थ्रोन एंड नौबत खान इंस्टिस्ट द रेड फोर्ट एट दिल्ली, डायमंड पीकॉक थ्रोन वॉज अडॉर्न्ड कोहिनूर। Which son of Shah Jahan imprisoned him? Aurangzeb. When was Shah Jahan died? 1666 में मृत्यु हुई Shah Jahan। Aurangzeb killed Guru Tegh Bahadur Singh। Aurangzeb ने सिख गुरु जो थे नौवे उनके उनको मारा था, Aurangzeb ने मरवाया था। He forbade singing and dancing in his court। अपने दरबार में उसने गाना और नृत्य पर रोक लगा दी। सती सिस्टम और झरोका दर्शन पर रोक लगा दी। कलमा रिटन कॉइन उसने मना कर दिए, रुकवा दिए। एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, तुलादान प्रैक्टिस, इन सब पर उसने रोक लगा दी। सेलिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड भांग वर प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस ड्यूरिंग हिज टाइम। अब लास्ट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर, इसको आप पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह सेकेंड जिनको बोलते हैं, वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ इन इंडिया एंड वेल नोन उर्दू पोएट। ही लेड इंडियन सोल्जर्स इन द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। आफ्टर द डिफीट इन द वॉर द ब्रिटिश सेंट हिम टू रंगून व्हेन ही डाइड इन 1862। At the Rajput Fortress of Amarkot in Rajputana, in modern day Sindh, आज के समय पर जिसे सिंध के नाम से जानते हैं, where his parents had been given refuge by the local Hindu ruler Rana Virshal, Akbar's father Humayun had already lost the kingdom won by Babur and Akbar's childhood was spent in exile. Jalaluddin Muhammad Akbar was born in the year 1542 and died 1605. हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गद्दी पर बैठा? इसका जवाब है कलानौर, कलानौर पंजाब। द 14 ईयर ओल्ड अकबर वॉज एनथ्रोन्ड बाई द बैरम खान ऑन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लेटफॉर्म विच स्टिल स्टैंड्स। द टाउन ऑफ कलानौर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर पंजाब में है, ये इज नोन फॉर हैविंग सर्व्ड एज द क्राउनिंग प्लेस ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। अकबर जो था वो कलानौर में गद्दी पर बैठा। अकबर का शासनकाल कब तक चला था? यह है 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक ये चला था। अकबर डाइड ऑफ एन इलनेस दैट फॉलोड डिसेंट्री। ही हैड रीन्ड फॉर 49 ईयर्स एंड ही वॉज सक्सीडेड ऑन द थ्रोन बाय हिज सन जहांगीर। जहांगीर बैठे इनके बाद गद्दी पर। द टॉम्ब ऑफ अकबर इज इन सिकंदराबाद। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब है बी 1556। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टू प्लेस इन 1556 अकबर और हेमू के बीच में। अब पानीपत के तीन युद्ध हम देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526 में, दूसरी है अकबर वर्सेस हेमू 1556 में, और तीसरी है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में 1761 में, 1761 में। असीरगढ़ फोर्ट वॉर कॉन्क्वेरिंग असीरगढ़ फोर्ट वॉज द लास्ट विक्ट्री एक्सपीडिशन ऑफ अकबर। अकबर की आखिरी जो जीत थी वो थी असीरगढ़ फोर्ट। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? यह है बी 1576 में। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 AD बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। अकबर वन इन दिस वॉर। कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप वॉज हकीम खान। इन हुज कोर्ट वर नवरत्नास, नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। ये अकबर के नवरत्नों के नाम हैं बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, महाराजा मानसिंह, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। दसवंत एंड बसावन वर टू ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स
थे अकबर के शासनकाल में, दसवंत और बसावन। मोहम्मद हुसैन वॉज अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ जरी कलम बाय किंग अकबर। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि। आईने दहशाला व्यवस्था किसने शुरू की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड आईने दहशाला? इसका जवाब है बी, टोडरमल। दहशाला क्या था? दहशाला इज़ एन इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड टैक्सेशन। ये लैंड टैक्सेशन की भारतीय प्रणाली थी, अकबर ने के समय में इंट्रोड्यूस की थी। और ये जो अकबर के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल अपॉइंट किए गए थे गुजरात में, ये उनके द्वारा बनाई गई थी। हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा और द डोर ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1575 बाई मुगल एम्परर अकबर टू कमोमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। बुलंद दरवाज़ा गुजरात पर विजय का प्रतीक है एंड इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी विच इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा। आगरा से 43 किलोमीटर दूर जो जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, ये उसका एंट्रेंस है। अकबर ने बहुत सारे महान किले बनवाए, आगरा फोर्ट, द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल। अकबर किस चिश्ती संप्रदाय की दरगाह पर जाया करता था? इसका जवाब है शेख सलीम चिश्ती। उत्तर प्रदेश में है इनकी दरगाह, फतेहपुर सीकरी में। दरगाह और टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इन फतेहपुर सीकरी। एम्परर अकबर हैड दिस टॉम्ब बिल्ट इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट सलीम चिश्ती बिटवीन 1571 एंड 1580। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।